रिप्ले मोड के पार्ट टू में आप सबका स्वागत है। पार्ट वन में हमने देखा कि आप अपने माइनक्राफ्ट में रिप्ले मोड ऐड कैसे करोगे, उससे रिकॉर्डिंग करके जो उसमें वीडियो एडिट करोगे उसको एक्सपोर्ट कर कैसे करोगे, ये मैंने पार्ट वन में बता रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके ये वाली वीडियो देखो और उसको सीख लो, ऐड कर लो। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें जो रिकॉर्डिंग आप उसको करोगे उसको आप प्रॉपर एडिट वगैरह कैसे करोगे, यूज कैसे करोगे, वही आज के पार्ट टू में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अपने सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो कि इसके लिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन होगा, जब भी आपको रिकॉर्ड करना है इस पे क्लिक करो, आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी करना है, कुछ बिल करना है बिल करो, फाइट करना है फाइट करो, सीरीज बनाना है वो करो और आपका रिकॉर्डिंग होता रहेगा। तो चलो मैं समझ लो, एक मैं ऊंट का घर बनाता हूँ और उसको रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट करके फिर उसको एडिट करेंगे। तो अब मैं यहाँ से घर बनाता हूँ और घर बनाने के बाद आपसे मिलता हूँ, लेट्स गो। तो देखो गाइस, ये एक मैंने प्यारा सा घर बना दिया, इस घर को मैंने अब बना के मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रिकॉर्डिंग जो यहाँ पे किया इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारा रिकॉर्डिंग देखो हट गया, अब रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब मैं जैसे एग्जिट करूंगा बगल में यहाँ पे मेरे को सेविंग रिप्ले होने लगेगा 0% से। ये देखो ये सेविंग रिप्ले कुछ इस टाइप से होगा, 0 से 99% कंप्लीट होगा। और ये कंप्लीट होने के बाद आप इसका नाम लिख सकते हो, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ हाउस ट्यूटोरियल। हाउस ट्यूटोरियल लिख के मैं इसको डन करूंगा तो ये यहाँ पे मेरा सेव हो जाएगा हाउस ट्यूटोरियल से। आपको जो भी फाइल सेव है वो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखने लगेगा और आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हो। तो मैं अपने हाउस ट्यूटोरियल पे क्लिक करूंगा, उस पर लोड पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो भी रिकॉर्डिंग का फाइल हमने जो भी रिकॉर्ड किया है वो यहाँ से स्टार्ट होकर प्ले होने लगेगा। अब देखो अब हमारे पास हम हीलेंगे तो हम यहाँ पे जा पा रहे, बट हमको एडिट वगैरह करना है इसको रोकना है, पर माउस का कर्सर आ नहीं रहा। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में जो टी बटन होता है STT, तो आप टी प्रेस करोगे तो ये आपका माउस का कर्सर आ जाएगा, उससे आप यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप कर सकते हो और आपको जैसे भी एडिट वगैरह करना है वो सब आप कर सकते हो। और अगर आपको माउस कर्सर से स्टॉप नहीं करना तो आप शॉर्टकट में पी प्रेस करोगे तो भी प्ले होगा और पी प्रेस करोगे तो वो पॉज हो जाएगा। तो पी से प्ले और पी से पॉज, और वहीं पे बी अगर दबाओगे तो अगर आप सर्वर में रिकॉर्डिंग किए हो तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर अगर आस पास जितने भी बंदे ना बी दबाओगे तो उन सबका नाम आ जाएगा और उनसे क्लिक करके आप उसके अंदर भी जा सकते हो। पर ये मैंने सिंगल प्लेयर में रिकॉर्डिंग किया हो तो यहाँ पे कोई भी प्लेयर का नाम नहीं है। फिर मैं यार टी दबाऊंगा तो माउस कर्सर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक मेनू है, इस पे आप क्लिक करोगे तो सारे शॉर्टकट का बटन का नाम आ जाएगा। अब यहाँ से आप सारे शॉर्टकट देख सकते हो और कुछ कुछ शॉर्टकट सेव नहीं है, तो आप अपना खुद का पर्सनल शॉर्टकट सेव कर सकते हो। ठीक, इसमें से जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। टी दबाओगे तो ये माउस का कर्सर आएगा, फिर टी दबाओगे तो एस्केप दबाओगे तो माउस का कर्सर गायब हो जाएगा, और वैसे ही पी दबाओगे तो प्ले होगा और पी दबाओगे तो प्ले हट भी जाएगा। एंड जो JKL ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप J प्रेस करोगे ना तो कुछ ऐसे रोटेट होगा, और L प्रेस करोगे तो कुछ ऐसे रोटेट होगा, और K प्रेस करोगे तो जो भी था वो डिफॉल्ट में रीसेट हो जाएगा। ठीक, तो आप J से ऐसे रोटेट कर सकते हो, K से ऐसे, और L से ऐसे, और K से उसको ठीक कर सकते हो पहले जैसा, JKL ओके। और जो ये हमारा है ये पोजिशन की फ्रेम है इसके लिए, और ये टाइम की फ्रेम की आपके कितना टाइम पे उसको रखना है। ठीक, और ये पोजिशन के लिए आप I प्रेस कर सकते हो और इसके लिए O। जैसे कि मैं माउस कर्सर यहाँ पे हटा दिया और मेरे को कुछ की फ्रेम सेट करना तो मैं आई प्रेस करूंगा तो वो हो गया, ओ प्रेस करूंगा तो वो भी हो गया, हमारा की फ्रेम सेट हो गया। ठीक, और अगर आपने कोई की फ्रेम सेट किया उसको हटाना है तो आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो वो हट भी जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो ये सब तो शॉर्टकट हो गया। अब एडिट करना कैसे है, तो उसके लिए आप माउस कर्सर लो और आप एकदम इसको जो है ना इसको एकदम स्टार्टिंग में ले जाओ, स्टार्टिंग में पकड़ के ले जाना पड़ेगा। ठीक, देखो वहां पे स्टार्टिंग में हो गया, और उसके बाद आप एक कैमरा एंगल सेट करो, समझ लो आप यहाँ से इसको देख रहे हो। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, और वीडियो कहाँ से स्टार्ट होगा, आप पहले पी दबाओगे तो प्ले हो जाएगा, तो आप पी दबा के प्ले करो और देखो आपको वीडियो स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक, तो ये मैं समझ लो ये मैं जब इंट्रो शूट कर रहा था ना तब का है। अब यहाँ से मेरे को रिकॉर्डिंग मतलब यहाँ इससे पहले का जो सीन था वो बेकार सीन था, मेरे को यहाँ से एडिट करना है, बाकी का सीन कट कर देना है। तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे इसको इतनी टाइम लेवल पे एक की फ्रेम सेट करना है, समझ लो मतलब यहाँ पे आपका कैमरा एंगल लगा दिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मतलब ये आपका जीरो पे होना चाहिए पहली बार। ठीक, आपको फर्स्ट टाइम में इसको इधर उधर नहीं कर सकते, आपको जहां से कट करना है ये जीरो में रखना है, क्योंकि ये जो आप टाइम फ्रेम है ये एडिटेड वीडियो का देखेगा और ये आपका रिकॉर्डेड वाला है। ओके, इसका आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो कि आप कितना स्पीड में वीडियो को देखना चाहते हो या फिर वीडियो को बढ़ाना चाहते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, मैं नॉर्मल 1 पे रखता हूँ। तो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पे ले जाना स्टॉप करूंगा, और उसके बाद मैं ये दोनों पे एक एक बार क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ से टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा। ठीक, उसके बाद मैं प्ले करूंगा और देखूंगा कहाँ पे मेरे को स्टॉप करना है। ठीक, अब मैं यहाँ पे लेट्स सी देखते हैं क्या क्या मैम, ये देखो ये जैसे जैसे बढ़ रहा ना वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा, बट ये इसको आप कम कर सकते हो।
सकते हो, तो वो मैं कर्म करने आपको दिखाऊंगा। तो मतलब ये यहाँ पे एक ट्रोल लगाना स्टार्ट हो गया, आप बिल्कुल एंगल चेंज करना है, तो मैं इसको प्रेस करूंगा और प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा अपना कैमरा को ऊपर ले जाऊंगा, स्केप दबा के माउस कर हटा दोगे तब हिला भी पाओगे ठीक। तो अब इसको मैं इधर कैमरा एंगल को उस ऐसे यहाँ पे लेके जाऊंगा कि यहाँ से अब कैमरा रिकॉर्ड हो ठीक। और यहाँ पे ले जाने के बाद अब देखो, अब मैं कर्सर को फिर टी दबा के कर्सर लाऊंगा और ये देखो ये जीरो से लेके 15 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड तक ये ही होता रहेगा। तो आप इसको साथ थोड़ा छोटा फ्रेम में दिखाओ, हम यहाँ से तो 10 से लेके 27 सेकंड लगा है, 15 सेकंड लगा है, बट ये कम सेकंड में दिख जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा और इसको स्लाइड करके मतलब मैं 5 सेकंड करूंगा कि 5 सेकंड में इतना दिख जाएगा ठीक। तो 5 सेकंड में करके फिर मैं इन दोनों पे क्लिक करूंगा, तो अब ये वाला टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जो कैमरा एंगल है उसको हम देखना चाहते हैं ना, तो हम इसको इधर करो और इसको इस वाले को प्ले करोगे तो वो आपको दिखेगा कैसे कैमरा चेंज होगा ठीक। आप उसको देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपका कैमरा चेंज होगा। अगर आपको थोड़ा गलत लग रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ओके। आपको लग रहा है सब सही है तो आप एक काम करो, फिर यहाँ पे प्ले करो और नेक्स्ट देखो आपको कहां से फिर आपको एंगल चेंज करना है। तो आप देखते हैं ये काम कहां पे करेंगे, लेट सी। अब देखो अब ये ऊपर आने लगा, तो अब ऊपर आने लगा ना, तो अब मेरे को फिर से अपने कैमरा का एंगल को चेंज करना है। तो मैं पी पे इसको प्रेस करके पहले स्टॉप करूंगा पी दबा के, और उसके बाद मैं अपना स्केप दबाऊंगा और एंगल अब मैं चेंज करूंगा ठीक। वहां से अब मैं एंगल को कुछ इस टाइप से लूंगा कि मेरे को ब्रॉड व्यू में सब कुछ दिखे, समझ लो मैं कुछ इस टाइप से दिखाऊंगा कि कुछ नीचे से हमें सब कुछ दिखे, नीचे से फ्रेम करते हुए ठीक। अब मैं यहाँ पे कैमरा एंगल ले जाऊंगा ऐसे पुश करके ऊपर की तरफ, और उसके बाद मैं टी दबाऊंगा और ये देखो ये भी गैप यहाँ पे 5 सेकंड से लेके 27 सेकंड में रिकॉर्ड होगा। तो मैं चाहता हूँ नहीं 27 सेकंड का क्लिप तो है पर वो मेरे को 5-10 सेकंड में दिखाना है, तो मैं इसको फिर कम करूंगा, मैं इसको 10 या फिर 9 सेकंड या फिर 11-12 सेकंड आप जितना करना चाहो कर लो, मैं 10 सेकंड कर लिया कि नेक्स्ट 10 सेकंड में ये हमारा इतना दिखेगा। तो मैं 10 सेकंड में करके फिर इसको सेट कर दूंगा, तो ये हमारा हो गया। ऐसे आपको बार बार पूरा रिकॉर्ड देखना और अलग अलग एंगल लगा के आपको ये सेट करते जाना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, बट मैं एक और करके दिखा देता हूँ ठीक। ये होने के बाद फिर मैं इसको प्ले करूंगा और प्ले करके अब देखूंगा कि अब नेक्स्ट मेरे को कहां से एंगल चेंज करना है ठीक। अब इसको फास्ट में भी प्ले करके देख सकते हो, इसको आप करोगे ना तो ये फास्ट में दिखने लगेगा, तो ये समझ लो ऐसे दिखने लगा तो मैं इसको स्टॉप करूंगा ठीक, क्योंकि ये अब यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ पे चेंज करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपना कैमरा एंगल चेंज करूंगा, अब मैं कुछ इस हिसाब से ऊपर से देखना चाहता हूँ ठीक। तो अब मैं यहाँ पे लूंगा और फिर टी दे पागे, ये देखो 16 सेकंड है पर मैं इसको कर दूंगा 16-14 सेकंड रहने दो ठीक। और इसको मैं यहाँ पे फिर की फ्रेम सेट कर दूंगा, तो यहाँ से इतना की फ्रेम सेट हो गया। और फिर मैं इसको 1 पे ही रखता हूँ या फिर 1.5 पे रखता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। और ये देखो ये अब ऐसे ऊपर लगा रहा ना, तो थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, तो अब मैं इसको साइड से ये वाला सीन देखूंगा। तो अब इसको मैं फिर से एंगल चेंज करूंगा और फिर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा, स्केप दबाऊंगा और अपना एक नया एंगल लूंगा, क्योंकि कुछ इस टाइप से दिखे वो लगाते हुए पूरा एंगल दिखना चाहिए ठीक। अब मैं उसको ऐसे लूंगा और ऐसे लेके फिर टी दबाऊंगा और इस वाले टाइम गैप को थोड़ा कम करूंगा, यहाँ पे 19 कर दूंगा, 14 से लेके 19 सही है। और उसके बाद फिर मैं इसको टाइम फ्रेम को सेट कर दूंगा और फिर प्ले करके देखेंगे कि आगे हमें कहां से एंगल चेंज करना है, लेट्स गो। तो अब देखो अब इतना हो चुका है, तो अब फिर मैं एंगल चेंज करूंगा और फिर मैं स्केप दबाऊंगा और अब एक नया एंगल लूंगा, मैं कुछ इस टाइप का एंगल लूंगा ठीक, यहां से दिखेगा। तो उसके लिए मैं फिर टी दबाऊंगा और इस वाले टाइम फ्रेम को देखो 18 से लेके 40 सेकंड हो गया, बहुत ज्यादा है। तो मैं 18 से लेके 24 सेकंड या फिर 26 सेकंड के अंदर ये पूरा दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे की फ्रेम कर दूंगा, तो यहाँ ये हमारा एडिटेड पार्ट है और ये रिकॉर्डेड पार्ट, हम यहाँ से लेकर अभी यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है और वो 0 सेकंड से लेकर हमने 26 सेकंड के अंदर उसको सेट किया है ठीक। अब फिर मैं इसको प्ले ऊपर वाले को प्ले करूंगा और फिर देखूंगा मेरे को कहाँ पे एंगल चेंज करने की जरूरत है। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट होने देते हैं, लेट्स गो। मैं आपको बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि एडिट करते कैसे हैं, कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। आप शॉर्टकट वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे पी दबाओगे तो पॉज हो जाएगा, पी दबाओगे प्रेस हो जाएगा, और समझ लो आपको आई ओ दबाओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका वहाँ पे की फ्रेम सेट हो जाएगा। पर आपको माउस को कर्सर के लिए टी दबा के माउस इसको कम ज्यादा करना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ओके। बाकी लेट्स गो, मैं एंगल चेंज करता हूँ, चलो थोड़ा एक एक एंगल और चेंज कर लेते हैं। ये ऊपर हो रहा, तो मैं स्केप दबाऊंगा और इसको थोड़ा ऊपर के तरफ से ऐसे देखूंगा ठीक। तो यहाँ पे करके फिर मैं समझ लो मैं आई ओ दबा के दिखाता हूँ ठीक। मैं ये माउस कर्सर हटा देता हूँ और यहाँ पे आई ओ दबाऊंगा, तो यहाँ पे देखो एक हमारा कर्सर फ्रेम सेट हो गया। बट दिक्कत ये है कि ये सेट तो हो गया बट ये टाइम गैप देखो बहुत ज्यादा है, तो मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये हट जाएगा और उसके बाद मैं टाइम फ्रेम को कम करूंगा। यहाँ 25 सेकंड था, तो 25 से 32 बहुत है, 32 सेकंड बाद मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा और फिर हम इसको कंप्लीट, अब मैं पूरा कर ही देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं, लेट्स गो। ये आप समझ लो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं फिर एक लास्ट कैमरा एंगल लूंगा, क्योंकि कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखेगा हमारा घर कंप्लीट होते हुए और यहाँ पे हम आई ओ दबा के सेट कर दिए, हमारा पूरा एडिट कंप्लीट हो गया। ये जो लास्ट का पार्ट है वो आपका एक्स्ट्रा
दूसरा पार्ट है वो कट हो जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद ये कैसा एडिट हुआ है वो आप एक बार खुद चेक करना चाहते हो एक्सपोर्ट से पहले, आप इस पे क्लिक करके इसको एकदम जीरो पे ले जाना और इस वाले को प्ले पे क्लिक कर देना, तो आप आपका प्ले होगा और आपको दिखेगा आपने कैसा एडिट किया है। तो कुछ हमारा इस टाइप से एडिट हुआ है, तो सही से देखते हैं, अगर पसंद आया तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो आप इसको फिर अपने हिसाब से थोड़ा और चेंजेस कर सकते हो। तो ये देखो क्या मस्त सिनेमैटिक हम आराम से बिल्ड किए हैं और वो क्या मस्त एडिट हुआ है भाई। तो अगर आप मतलब कुछ प्रोफेशनल क्रिएटर वगैरह हो तो रिप्ले मोड जरूर यूज करना है, इसे आप काफी इजीली कुछ भी बिल्ड करते हो उसको मस्त एडिट करके दिखा सकते हो। जो कि जैसे कि देखो मैं आपके सामने क्या मस्त घर बनाया और उसको इजीली अलग ही टाइम से एडिट कर दिया, तो कि देख के मेरे को तो काफी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अपने आप कैमरा हिल रहा, कैमरा चेंज हो रहा और हम यहाँ पे एडिट वगैरह कर रहे हैं, घर वगैरह लगा रहे हैं, क्या ही बात है भाई। अब इसके साथ हम इधर आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे और हमारा घर कंप्लीट। हमको ये वीडियो पसंद आया तो अब हम एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसके फाइल का एक नाम दे देंगे। ठीक, पहले इसको डिफॉल्ट में रखेंगे, प्रीसेट में ये भी बिटरेट उतना ही रखेंगे, बिटरेट आपको 20 से कम ज्यादा करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। वीडियो का रिजोल्यूशन 1080 है उसको आप उतना रहने देना, फ्रेम रेट आप उतना रहने देना। ये कहाँ पे सेव होगा तो ये वीडियो रिप्ले वीडियो MP4 यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करना और आप अपना फोल्डर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो फोल्डर डिफॉल्ट है मैं वही रहने दूंगा और फिर मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाके मेरे को कुछ भी नहीं करना है, एकदम नीचे जाना है आपको। और यहाँ पे ये वाला प्रोसेस मैंने बता रखा है FFmpeg वाला, वो आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना। अब मैं सीधे रेंडर पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये जो वीडियो है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको रेंडर कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद वीडियो हमारा कंप्लीट एडिट होकर रेंडर हो चुका है, आप उसको यूज कर सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। तो चलो इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर एडिटेड वाला वीडियो भी कहाँ पे सेव हुआ है वो सब दिखा देता हूँ एंड आज का वीडियो खत्म करते हैं। इजी था, बस आपको थोड़ा सा वीडियो सही से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली आपको बस कैमरा एंगल सेट करना है, आरएम चेंज करना है और आपको प्रीसेट वगैरह लगाते जाना है, मतलब की फ्रेम वगैरह लगाते जाना है, आपका एडिट कंप्लीट हो जाएगा जो कि देखने में काफी मस्त लगेगा। और थोड़ा शॉर्टकट वगैरह है वो आप वहां से खुद ही चेक कर लेना, मेनू में जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी एक बार वीडियो देख लेते हैं, तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो और प्लीज बेल आइकन दबा लो क्योंकि ऐसे मस्त मस्त कंटेंट हम लाते रहते हैं। और जब ये रेंडर हो रहा है तो ये देखो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है, पर आप चाहते हो जैसे जैसे रेंडर हो रहा है वो प्रीव्यू दिखता रहे, तब यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना तो वो भी दिखता रहेगा कि कैसे कैसे रेंडर हो रहा है। ठीक, अब इसको भी देख सकते हो, पर इससे थोड़ा परफॉर्मेंस में अगर पीसी लो एंड पीसी है तो दिक्कत हो सकता है, तो इसको ऑफ रखना तो रेंडर स्पीड में होगा। ओके, तो मैं सोचा ये भी बता दो तो बता दिया। तो देखो 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 एंड ये कंप्लीट होने वाला है हमारा रेंडरिंग। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे 4, 2, 1 एंड कंप्लीट हो जा। कंप्लीट होने के बाद आपका योर वीडियो है सक्सेसफुली रिकॉर्डेड, आप चाहो तो यही ओपन वीडियो फोल्डर पे करोगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका सेव हुआ है। ये देखो ये रिप्ले वीडियो यही है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करूंगा तो हमारा ये देखो रिकॉर्डिंग हुआ है, जो कि ओनली उतना लंबा रिकॉर्डिंग था बट ओनली 40 सेकंड 45 सेकंड के क्लिप में सब कुछ हमने एडिट कर दिया है। अब इसको प्ले करूंगा तो ये देखो इतना मस्त वीडियो है, आराम से सिनेमैटिक वाला शॉर्ट्स है, इसको आप देख के एंजॉय कर सकते हो। मेरे को तो काफी प्यारा ये एडिटिंग लगा, आपको मतलब ऐसे आप सिनेमैटिक जो भी होता है मस्ती लगता है, आपको बस रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए, एडिट करना आना चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एडिट करके मैंने आपको दिखा दिया, आप ऐसे ही खुद भी एडिट कर सकते हो। तो आप ऐसे कुछ भी बिल्ड वगैरह करते हो उसको सिनेमैटिक कैमरा के एंगल से दिखा सकते हो, जो कि देखने में प्यारा लगेगा और आप उसको एज अ प्रोफेशनली यूट्यूब वगैरह पे डाल सकते हो या फिर जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। आगे आप बताओ आपको ये रिकॉर्डिंग कैसा लगा, ये एडिटिंग कैसे लगा। अगर ये सब कुछ आपको पसंद आ ही चुका है तो देर मत करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले दबा देना। और जिसका भी प्रॉब्लम आ रहा है रिकॉर्डिंग मतलब रिप्ले मोड काम नहीं कर रहा, वो मेरा पार्ट 1 सही से देखो, जो वर्जन मैंने बताया है वो सब वर्जन को सही से यूज करो तो ही आपका वर्क करेगा, वरना आपका वर्क नहीं करेगा। तो जाओ पार्ट 1 सही से देख के पहले इंस्टॉल करो सही से, उसके बाद यूज करने इस वीडियो को देख के सीख जाओ। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।